स्वागत है आपका इन्वेस्टनो चैनल का। आज हम आपको पढ़ाएंगे अंडर वर्सेस बिलो। देखिए अंडर वर्सेस बिलो, अब मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि अंडर बिलो का तो बस एक ही मतलब होता है। देखिए ये वो लोग रॉन्ग सोचते हैं। अगर आप कहें आई एम अंडर द फोटो, आप सपोज कीजिए आप जैसे मैं एक फोटो के नीचे बैठा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं फोटो के नीचे, बहुत लोग कहेंगे माय सर इज अंडर द टेबल, मैंने अंडर द फोटो। बहुत लोग कहेंगे माय सर इज बिलो द पिक्चर। तो जो लोग बिलो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और जो कह रहे हैं अंडर वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए लाया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर अच्छे से एंड तक देखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया माने अंडर मतलब क्या होता है, जब चारों तरफ से आप ढके हो। हाँ, जैसे आप किसी चीज के नीचे हो और चारों तरफ से ढके हो। हाँ, अब आप कहो आई एम बिलो द टेबल, ये रॉन्ग है। आप कहेंगे आई एम अंडर, हमें अंडर क्यों लगाया, आप चारों तरफ से कवर है उसमें। तो अब मैं आपको बताऊंगा बिलो। अंडर मतलब जब आप चारों तरफ से कवर हो, कवर हो आपके ऊपर कुछ हो, आप चारों तरफ से कवर हो। अब मैं आपको बताऊंगा बिलो, फिर हम लोग लास्ट में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। तो जिन लोगों ने कमेंट नहीं करेंगे तो मतलब उन लोगों को कुछ नहीं समझ आया है तो वो बैड है, और जिनको समझ आ गया वो कमेंट करेंगे उनके लिए वेरी गुड। और जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया उनको जरूर कमेंट करूंगा कि आपको समझ नहीं आया है इसलिए आपने कमेंट किया है, पूरी वीडियो हमने अंत तक नहीं देखी है। देखिए अब आप कहें आई एम बिलो द पिक्चर, ओके, तो आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप बिलो के नीचे है ना, आप उसके नीचे हैं और आप चारों तरफ से कवर तो नहीं है। अब आप कहें कि आई एम बिलो द ट्री, मैं ट्री के नीचे, अब चारों तरफ से कवर नहीं है, यहाँ से खुला है, यहाँ से बस ऊपर से है, तो आप क्या कहेंगे आई एम बिलो। तो मैं तुम्हारे बिलो मतलब क्या होता है, जब वो किसी चीज के नीचे हो और हर जगह से वो खुली हो। और अंडा मतलब जब आप कवर हो और वो चारों तरफ से क्लोज हो। अब मैं आपको बताऊंगा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो बहुत सिंपल होंगे तो आपको उसका आंसर कमेंट करना है। तो मैं सबको 5 मिनट्स दूंगा तो वो कमेंट करेंगे, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूँ आई एम आप बताइएगा आई एम डैश डैश द टेबल, आप बताइए, सब सोचिए जिन लोगों का आया है क्या। जैसे आई एम मैंने क्या कहा था टेबल, जिन लोगों का अंडर आया है क्लैपिंग फॉर देम, और जिन लोगों का बिलो आया है तो उनको सब लोग कहेंगे कि आपने अच्छे वीडियो नहीं देखी है। तो ये हो गया, मैं सबसे 10 पूछूंगा। हाँ, अब सेकंड बताइए आई एम डैश द पिक्चर, नहीं आई एम डैश द हाउस, अब बताओ अब क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे डैश वुमन डैश द नहीं। जैसे आपको इस थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आप कहिएगा आई एम, आप ये भी कह सकते हैं आई एम डैश द ब्लैंकेट। अब बताइए ब्लैंकेट अंडर है या बिलो है। जिन लोगों का आया है अंडर, वेरी गुड, और जिन लोगों का आया है बिलो, तो मैं कह रहा हूँ आप ट्राई करते रहे, कीप ट्राइंग, लेकिन आप वीडियो अच्छे से देखिए, समझने का ट्राई कीजिए। मैंने आपसे अब 5 पूछूंगा क्योंकि बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, जो ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपसे 5 पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे 2 पूछ लिए, 3 ओनली लेफ्ट है। देखिए अब मैं आपसे कहूँ कि द बुक इज बिलो द, नहीं सॉरी, देखिए मैंने लर्न किया था तो देखिए मैं बिल्कुल दिमाग के बिल्कुल आ गया मेरे, तो मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा आंसर है ना। तो ऐसे आप समझिए। देखिए अब आप कहें कि आई एम डैश द स्विंग, कोई बड़ी सी स्विंग हो, तो आप क्या कहेंगे,
आप कहेंगे बिलो। अगर वो चारों तरफ से कवर नहीं है तो आप बिलो कहेंगे, और अगर वो चारों तरफ से कवर है तो आप क्या कहेंगे? अंडर। जिन लोगों का आया है बिलो, अगर उनको ऐसे वो वाला झूला समझ रहे हो जो चारों तरफ से कवर ना हो, उन्होंने बिलो यूज किया, वेरी गुड। और जिन लोगों को सोच रहे हो कि चारों तरफ से कवर है, उन्होंने अंडर लगाया हो, तो वो भी वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप, मैं आपसे कहूँ कम हेयर, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कम डैश द अम्ब्रेला, तो आप क्या कहेंगे? कम बिलो कहेंगे, अंडर कहेंगे? बिलो, करेक्ट। क्योंकि बिलो आप चारों तरफ से कवर नहीं है उसमें, आप बस ऊपर से कवर है, तो हमारे फोर हो गए। अब मैं आपसे फिफ्थ पूछता हूँ, ये लास्ट है। अगर आप कहें आई एम डैश द बेडशीट, तो आप क्या कहेंगे? अंडर या बिलो? आप बताइए, अंडर या बिलो आप कौन लेंगे? अंडर है या बिलो है? आप क्या लेंगे? अंडर, वेरी गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।